नमस्कार, आज बनाते हैं कुछ स्वादिष्ट हर्बल ड्रिंक्स। ये लेमन ग्रास और तुलसी और पुदीना को लेकर बना है, कुछ स्वादिष्ट और हेल्दी भी। आप ज़रूर बनाना। ऐसे सुंदर सुंदर रेसिपी के लिए हमारे चैनल ओएबटी जयंतीस किचन को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चीनी की जगह शहद यूज कर सकते हैं या मिश्री भी यूज कर सकते हैं। खूब स्वादिष्ट है, आप ज़रूर ट्राई करना ऐसे रेसिपी को। हम यहाँ 2.5 गिलास पानी ले रहे हैं एक बर्तन में और इसे उबाल देते हैं। ये 2.5 गिलास पानी हमारा बन जाने के बाद 2 गिलास हमें हर्बल वाटर मिल जाएगा। देखिए, ये गार्डन फ्रेश है लेमन ग्रास। हम इसको धोकर साफ करने के बाद छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए। अब इस पानी में डाल देते हैं ये लेमन ग्रास। यहाँ हम चीनी डाले हैं। आप चीनी की जगह मिश्री यूज कर सकते हैं। अगर हनी यूज कर रहे हैं तो आप बाद में हनी को मिला लेना। अब चीनी डाल दिए। 1/4 चम्मच यहाँ हम नमक डालेंगे और इस नमक को डालकर हम इसे ढक देते हैं। ढक कर 4 मिनट के लिए मध्यम आंच पे इसे उबालेंगे अच्छे से। अब देखिए, 4 मिनट हो गया है, कितने अच्छे से ये कलर दिया है। यहाँ हम स्वीट बेसिल जो है हम इसे धोकर डाल दिए एक। अब इसको दोबारा ढक लेते हैं। ढक कर 1 मिनट मध्यम आंच पे पकने देते हैं। उबल जाएगा 1 मिनट तो हमारा जो ड्रिंक्स है बन के तैयार है। ये ग्रीन टी आप ज़रूर बना के पीना, खूब स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है। हम इसे छान लेते हैं, चाय के तौर पर यूज करते हैं। आप ऐसे ही 2.5 गिलास पानी लेना, लेमन ग्लास और तुलसी के साथ उबाल देना और गरम गरम यहाँ नींबू का रस, और इसमें 2 चम्मच हम डालेंगे नींबू का रस। 1 चम्मच डालकर मिला दिए। देखिए, ये कलर बिल्कुल साफ हो गया है। और 1 चम्मच डाल रहे हैं यहाँ। अब डालकर फ्रेश पुदीना हम डाल देते हैं। अब फ्रेश पुदीना डालने के बाद इसको छान लेते हैं। जो हमने पानी बनाए हैं हर्बल वाटर जो है ये गर्म है, आप इसको चाहे तो ठंडा करके भी यूज कर सकते हैं। गर्म है तो इसका कलर बिल्कुल साफ हो गया है। अब हम इस हर्बल लेमन वाटर को आप चाय की तौर पर यूज करिए, चाहे आप ऐसे भी पीजिए और बनाइए ऐसे सुंदर सुंदर रेसिपी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।